वेलकम ऑन सिविल इंजीनियरिंग अकेडमी एंड फील्ड एक्सपर्ट व्यूअर्स, आज आपको मार्बल फैक्ट्री और शोरूम का विजिट कराएंगे। इसके साथ साथ आपके साथ मार्बल के डिजाइंस, क्वालिटीज और रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं अलमदीना मार्बल्स पर, तो हम इनसे इंटरव्यू करेंगे मार्बल के हवाले से। हम मार्बल की मुख्तलिफ क्वालिटीज को आपके सामने रखेंगे और इनके रेट्स, और शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप जो है हमें मार्बल की मुख्तलिफ जो क्वालिटीज़ हैं और मार्बल के रेट्स हैं और जो आपकी ये फैक्ट्री है, इसके हवाले से काइंडली आपने हमें ये बताएंगे ताकि हम जो है आगे ये व्यूअर्स को गाइड कर सकें। तो सबसे पहले हमें जो मार्बल के मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं उनके कम से कम और ज़्यादा रेट काइंडली बताइएगा। फर्श से शुरू कीजिएगा। कम से कम बादल का रेट 3800 रुपये फुट है। जी जी। और फिर मुख्तलिफ रेट आ जाते हैं जिसमें सनी ग्रे है, कमांडो है, टवीरा है, ब्रोना है, चाइना ब्रोना आ जाता है, सोन टी पी आ जाता है, फ्लावर आ जाता है। किसी का रेट 40 है, 42 रुपये, 45, 50, 60 रुपये। फिर ज्यारत वाइट आ जाता है, जैसे कि ये वाला ज्यारत वाइट, ये 120 रुपये फुट तक आ जाता है। ठीक है। बाकी मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ माल का मुख्तलिफ रेट है। किचन के हवाले से थोड़ा बताइएगा। किचन के भी मुख्तलिफ रेट है, हर किचन का अपना अपना रेट है। जैसे रेड फ्लावर 180 रुपये फुट आ गया है, शियानी 200 रुपये फुट आ गया है। फिर आ जाता है सनी ग्रे 150 रुपये फुट, ज्यारत वाइट आ जाता है 350 रुपये फुट, या अपना ग्रे नाइट ब्लैक है 450 रुपये फुट। इस तरह मुख्तलिफ रेट है। इसमें रनिंग आइटम आपका, यानी मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा सीढ़ी के अंदर ग्रे नाइट जा रहा है, ब्लैक ग्रे नाइट। ठीक है। और ट्रिपिकल ग्रे नाइट। और किचन के लिए कौन सा है? किचन के लिए होता है ये ग्रे नाइट, मतलब सीढ़ी और किचन के लिए सेम ही है। सेम। और फर्श के लिए कौन सा रनिंग जा रहा है? फर्श के लिए ज़्यादा ज़्यारत वाइट का चलता है और ब्रोना जा रहा है, चाइना। ठीक है सर, शुक्रिया। अब हम आपके साथ विजिट करेंगे, आपके मुख्तलिफ मार्बल के सैंपल दिखाएंगे और इनके रेट्स दिखाएंगे, और इसके बाद फिर हम फैक्ट्री का विजिट करेंगे। शुक्रिया। अच्छी क्वालिटी के ग्रेनाइट में 10 ब्राउन आ जाते हैं 800 रुपये पर स्क्वायर फुट, और ये साथ आ जाता है लाइट ग्रे एंड वाइट, आपका 450 रुपये स्क्वायर फुट आ जाता है। इसके साथ साथ ये जिरान ग्रे आ जाता है 450 रुपये पर स्क्वायर फुट, और इसके साथ साथ ये स्नो वाइट आ जाता है 800 रुपये पर स्क्वायर फुट, और ये किचन और स्टेयर दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं ये सारे ग्रेनाइट। और ऑलिव ग्रीन आ जाता है 800 रुपये पर स्क्वायर फुट, और इसी तरह ये ग्रीन के साथ ये आ जाता है। लास्ट वन कोबरा, ये 450 रुपये पर स्क्वायर फुट इसका रेट है। किचन और स्टेयर दोनों के लिए यूज हो सकता है ये, और इसके साथ साथ इसी तरह किचन के लिए रेड चिली आ जाता है 900 रुपये पर स्क्वायर फुट, और इसके साथ ही बिल्कुल पार्टी ब्राउन आ जाता है 800 रुपये पर स्क्वायर फुट, और इसके साथ चेरी पिंक आ जाता है 800 रुपये पर स्क्वायर फुट, और इसके साथ साथ इंपीरियल पर्ल आ जाता है ब्लैक में 1400 रुपये पर स्क्वायर फुट। इस तरह ग्रेनाइट ट्रिपिकल आ जाता है 200 रुपये पर स्क्वायर फुट, और इसके साथ साथ ये ब्लैक ग्रेनाइट आ जाता है 450 रुपये, और एंड पे ये ज्यारत वाइट आ जाता है 200 रुपये पर स्क्वायर फुट किचन टॉप के लिए। तो अब ये फ्लोर के लिए आपको सैंपल दिखा रहे हैं। इसमें टवीरा है, चाइना ब्रोना है, ब्रोना है, इसमें सनी ग्रे है, रेड एंड वाइट है, और ये आपके साथ मार्बल के बॉर्डर शेयर कर रहे हैं जो कि फिनिश फॉर्म में है। तो ये 3 इंच में भी मिल जाते हैं, 4 इंच में भी, इसी तरह 6 इंच में बने बनाए मिल जाते हैं आपको एलिगेंट डिज़ाइन में। तो मार्बल रा फॉर्म में जो है ये मटेरियल इसका आया हुआ है, अभी हम अनलोडिंग हो रही है इसकी। तो अब हम मार्बल फैक्ट्री का विजिट कराएंगे आपको। इसमें मार्बल किन मराहल से गुजर कर आप तक फिनिश फॉर्म में पहुंचता है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये स्टैकिंग की या रॉ मटेरियल की, या फिनिश फॉर्म में जो मटेरियल है उसकी ये स्टैकिंग की हुई है। अब ये स्टेज वन है, स्टेज वन में ये कटिंग हो रही है मार्बल की, वर्टिकली उसको काटा जा रहा है 1/2 इंच, और
3x4 inch थिकनेस में इसकी इसको काटा जा रहा है हाफ हाफ की फॉर्म में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कारीगर जो है कटिंग कर रहे हैं मशीन पर, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कटिंग की। एक वक्त में एक साइड से कटिंग हो रही है, फिर उसकी जो दूसरी साइड है उसकी कटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में इसकी जो कटिंग हुई है उनको उनका गुनिया किया जाता है, उनको 90 के एंगल पर लाया जाता है ताकि फर्श जो है उसमें प्रॉब्लम ना आए, आपका बिल्कुल स्मूथ फर्श बने। उसमें आपकी हर मार्बल टाइल जो है वो बिल्कुल जो है परफेक्ट शेप में हो। तो इस स्टेज पर इसका गुनिया सेट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं दो कटर लगे हुए हैं, दोनों कटर जो है एक्स्ट्रा जो पीसेज हैं उसको काट रहे हैं। और ये गुनिया होने के बाद ये तैयार फॉर्म में जो है एक साइड पे इसको रख दिया गया। अब अगली स्टेज में जो है फर्श के बाद, अब इस स्टेज पे जो स्टेयर है उसके राइज़र और ट्रेड तैयार हो रहे हैं। तो इसको कस्टमर के साइज़ के मुताबिक कस्टमाइज साइज़ में इसको तैयार किया जा रहा है। तो ये कारीगर साइज़ ले रहे हैं, साइज़ चेक करके फिर ये एक्स्ट्रा पोर्शन को काटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कटिंग कर रहे हैं इस वक्त, ये सीढ़ी का जो है ट्रेड है ये 1 inch थिकनेस में इसको काटा गया है। और अब इसकी दूसरी साइड को काटा जाएगा, यानी इसका गुनिया चेक करके इसको परफेक्ट शेप में काटा जाएगा कस्टमाइज शेप में। तो इसको अब अगेन दूसरी साइड को काटा जा रहा है। तो इस स्टेज पर जो है सीढ़ी के राइज़र और ट्रेड तैयार होते हैं। इस पोर्शन में जो मार्बल किचन के जो टॉप होते हैं उसकी बड़े साइज़ में चुके होते हैं, यहाँ पे उसकी पॉलिशिंग की जाती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की ये पॉलिश या इसमें ये ग्राइंडिंग टूल यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो बॉर्डर हैं मुख्तलिफ साइज़ के, यहाँ पे इनकी जो है इनको जोड़ा जा रहा है। जोड़ने के लिए एडहेसिव मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि ये सेंटर के मुख्तलिफ रूम्स के सेंटर में ये डिज़ाइन जो है ना यूज़ होते हैं, वो तैयार हुए हुए हैं, बॉर्डर तैयार हुए हुए हैं। इसके बाद इनकी फिनिशिंग की जाएगी, इनकी फिलिंग की जाएगी, फिर इनकी ग्राइंडिंग की जाएगी फिनिशिंग फॉर्म में। अब ये सीढ़ी के मार्बल टॉप की तरफ ले जाते हैं कि इनको इनका गोला कैसे बनाया जाता है और इनकी जो फर्दर फिनिशिंग है वो कैसे की जाती है। कटिंग के बाद अब आपको दिखाएंगे कटिंग और इनकी जो रगड़ाई है, यानी फिनिशिंग के बाद ग्राइंडिंग कह सकते हैं उसे। उसके बाद इनका जो गोला लगाया जाता है, यानी जो इसका ट्रेड होता है उसको आगे से गोल किया जाता है ग्राइंडर की मदद से। और कारीगर अभी आपको करके दिखाएंगे। ये एक जो है सीढ़ी का ट्रेड जो है ये तैयार है, इसका गोला लग चुका है। अब कारीगर इसको चेक कर रहा है, ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी सफाई करके इसको साइड पे कर दिया जाएगा। ये सफाई हो रही है जी इसकी, क्या ऑलरेडी इसकी फिनिशिंग हो चुकी। अब हम आपको दिखाएंगे कि एक नया ट्रेड जो है कारीगर लेगा, उसका गोला लगाएगा, यानी आगे से राउंड शेप बनाएगा उसकी, ताकि सीढ़ी के स्टेप जो हैं चढ़ते हुए परेशानी ना हो, एज जो है प्रॉब्लम ना करे। वो ये ग्राइंडर की मदद से इसको गुलाई में लाएगा कारीगर। आप देख सकते हैं ये इस वक्त जो है इसकी ग्राइंडिंग हो रही है, ग्राइंडिंग के बाद ये फिनिशिंग फॉर्म में ये पड़े हुए हैं। पानी को रिसाइकल करके दोबारा यूज़ किया जाता है कटिंग में। अब ये लोडिंग हो रही है, जो फिनिश फॉर्म में माल है वो जा रहा है। कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कीजिएगा, आपने कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।